हेलो दोस्तों, गेमिंग जोन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गॉड ऑफ वार गोस्ट ऑफ स्पार्टा गेम को ट्राई करेंगे रियल मी X2 डिवाइस के साथ। ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने 2 घंटे पहले स्टार्ट करी थी, पर मैं कैमरा ऑन करना भूल गया था। अभी मेरे को पता चला कि कैमरा तो ऑफ है। सो अब आगे गेम प्ले करते हैं। अभी तक गेम काफ़ी ठीक ठाक चला है, कहीं कहीं पर ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप भी था, पर अधिकतर अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। और सेटिंग्स एक बार देख लो। बैक एंड में ओपन जी एल है, 1 घंटा मैंने वुल्कन के साथ टेस्ट किया है, 1 घंटा मैंने ओपन जी एल के साथ, दोनों में सेम परफॉर्मेंस थी। रिजोल्यूशन 2x पर है, बाकी सेटिंग्स आप देख लो, लगभग डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। सो आगे गेम प्ले करते हैं, देखते हैं आगे कैसा चलेगा। यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप था थोड़ा सा। इस डिवाइस के साथ जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, ये सेम परफॉर्मेंस आपको हाई एंड डिवाइस में मिलेगी। सिमुलेटर के लिए ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हाई एंड और जो एवरेज डिवाइस हैं उनमें सेम परफॉर्मेंस मिलती है इस गेम में, माली जीपीयू डिवाइस को छोड़कर उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हल्का हल्का फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर फ्रेम रेट 40 के आसपास है, अभी 60। गेम काफ़ी बढ़िया चल रहा है, बैटरी अभी इसमें 64 है, 64%। कितने से स्टार्ट किया था वो मेरे को ध्यान नहीं है, पर 90 के ऊपर थी बैटरी और 2 घंटे के ऊपर हो गया मेरे को। फ्रेम रेट कभी 50 हो रही है, कभी 60, और लेवल चल रहा है, काफ़ी अच्छी स्पीड है।
यहाँ पर 40 FPS, कट सीन में 60 है। थोड़ा सा लैग किया था यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेम स्किप था, 40 FPS, 48, 45। Yeah.
मेरा ये सामने कंट्रोल करना काफी हार्ड है। कंफ्यूज हो गया मैं। अभी मेरे को आधा घंटा हो गया है और उससे पहले मैंने 2 घंटे ट्राई करी थी। रात के 1:30 बज चुके हैं तो सुबह मेरे को जल्दी उठना है। आज की वीडियो में इतना ही गेम प्ले करेंगे। इतनी वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये डिवाइस कैसे चला पाएगा इस गेम को।